नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से चर्चा कर रहा हूँ बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी आनर्स के बच्चों के साथ। छात्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल्चरल एडॉप्टेशन, हमने उस पर एस्किमोज की चर्चा की थी, आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं आदिम जनजाति बुशमैन। उष्ण मरुस्थल के आखेटक आदिवासी बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी उष्ण मरुस्थल की आदिम जाति है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल साधारणतया ऊंचा नीचा है, जिसमें स्थान स्थान पर छोटी पहाड़ियां दृष्टिगत होती हैं। यहाँ कुछ भागों में बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 150 किलोमीटर, चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर तक होती है, जिनके कारण इस क्षेत्र में गमनागमन कष्टसाध्य है। इस पठारी भाग की औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के मध्य है। यह पूर्व एवं पश्चिम में पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर से कम है, जो दिसंबर से फरवरी के महीने में होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 46 डिग्री तक रहता है, जबकि शीत ऋतु में 10 डिग्री और कभी कभी यह हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो दिन में तापमान में कमी कभी कभी काफी वृद्धि हो जाती है, लेकिन रात्रि का तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शीत ऋतु छोटी रहती है। यहाँ पर हरी भरी वनस्पतियाँ वर्षा काल की समाप्ति पर कुछ हद तक उगती हैं। उनमें कई वनस्पतियाँ एवं पौधे पर बुशमैन का जीवन आधारित रहता है। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु एवं पक्षियों की बहुलता हो जाती है, जो शिकार की दृष्टि से इनके लिए उपयोगी है। जुलाई से सबसे अधिक ठंडक पड़नी शुरू होती है। अगस्त में तापमान में क्रमशः वृद्धि प्रारंभ होती है। सितंबर अक्टूबर तक जल स्रोत इनके सूख जाते हैं। इस समय उपलब्ध स्थायी जल स्रोतों पर बुशमैन अपनी बस्तियां बसाने लगते हैं। बुशमैन के शीत ऋतु में यह क्षेत्र वनस्पति विहीन दृष्टिगत होता है। नदी तटों पर कुछ वनस्पति के वृक्ष मिलते हैं, जिनमें बबूल, कीकर और फलदार वृक्ष कुछ हद तक मिलते हैं। यहाँ की नदियाँ अंतःस्थलीय प्रवाह वाली हैं। झीलों एवं तालाबों में केवल वर्षा काल में ही जल प्राप्त होता है। शेष महीने उनकी तली में नमकीन परतें जम जाती हैं। इस क्षेत्र में मीठे पानी का अभाव है। यहाँ वर्षा ऋतु में मच्छरों की अधिकता के कारण बीमारी इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, काला ज्वर, निमोनिया आदि भी फैलती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। आइए चर्चा करें बुशमैन के विशिष्टताओं के बारे में। इस क्रम में पहले बात शारीरिक गठन की, तो बुशमैन के शरीर की लंबाई सामान्यतः 5 फीट से कम, बाल काले घने व घुंघराले, मस्तक चौड़े, नाक चौड़ी व चपटी, गाल की हड्डी उभरी हुई, आँखें व पुतली तिरछी एवं अधिक खुली हुई रहती हैं, कंधे चौड़े, हाथ व पैर छोटे, पेट अपेक्षाकृत बड़ा और त्वचा का रंग कत्थई रहता है। भोजन के क्रम में बुशमैन मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हैं। निवास क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियां एवं जीव जंतु
पर इनका जीवन आश्रित है। बुशमैन कुशल शिकारी होते हैं। शिकार का 25 से 30 मील तक पीछा कर लेना इनके लिए सहज बात है। कभी कभी ये लोग अपने शिकार के साथ में कच्चे मांस का भी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं। बुशमैन पौधों की जड़ों, फल, शहद, कीड़े मकोड़े आदि भी खाते हैं। उनका मुख्य भोजन स्थानीय पशुओं एवं पक्षियों से प्राप्त मांस व मछली है। ये शिकार करने के बाद मांस को तुरंत खाने में प्रवीण होते हैं। प्रमुख पशुओं में यहाँ पर हिरण, भेड़, बकरी, जिराफ व खरगोश हैं। बुशमैन दीमक, चींटियों एवं पक्षियों के अंडे भी बड़े चाव से खा जाते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। अन्य खाद्य योग्य जंतुओं में सर्प, कछुए, गिरगिट, मेंढक, छिपकली व पक्षी आदि सम्मिलित हैं। जंगलों से प्राप्त खाद्य वस्तुओं में मुख्य रूप से कंदमूल, बेर, तरबूज आदि का उपयोग करते हैं। आइए बात करें इनके वस्त्रों की। तो बुशमैन उष्णकटिबंध में रहने के कारण वस्त्रों का बहुत कम उपयोग करते हैं। बुशमैन पुरुष लोग कमर में चमड़े की डोरी बांधकर एक चमड़े की ही तिकोनी पट्टी लपेट लेते हैं। स्त्रियां कमर से घुटने तक चमड़े का ही वस्त्र धारण करती हैं, शेष अंग पर वस्त्र नहीं होता। बच्चे सामान्यतः वस्त्र विहीन ही घूमते हैं। दिन में धूप से बचने के लिए ये पशुओं की चर्बी मिट्टी के साथ मिश्रित करके उसका लेप अपने शरीर पर लगा लेते हैं। स्त्रियां कंधे में एक झोला सदृश वस्त्र बांधती हैं जिसे कारोस कहा जाता है। आवास की बात करें तो बुशमैन का जीवन स्थानांतरित होने के कारण यहाँ स्थायी ग्रहों का अभाव मिलता है। इनके पास गृहपयोगी सामग्री भी काफ़ी कम होती है। आवश्यकता अनुसार ये गुफाओं, भूमि में खोदे गए गड्ढों एवं झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं। ये लंबी झाड़ियों की टहनियों को चारों ओर से गाड़कर ऊपर पशुओं की खाल, घास फूस से ढक करके अपनी झोपड़ियों को बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ सामान्यतः शंकु आकार होती हैं। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु ये अपने झोपड़े में आगे रात में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। झोपड़ियों में लगभग 1.5 मीटर ऊंची और 3 से 4 मीटर व्यास वाली संरचना होती है जिनमें एक ही दरवाज़ा रहता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली घासों में से ही ये अपने लिए बिस्तर तैयार कर लेते हैं। बुशमैन के छोटे झोपड़े को इस चर्म तथा इनकी अस्थाई बस्तियों को बर्फ कहा जाता है। ये अच्छे आखेटक हैं, इसलिए शिकार के लिए धनुष, बाण, प्रक्षेपक, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू और हड्डियों का प्रयोग करते हैं। इनके धनुष लकड़ी के और उसकी डोर चमड़े की होती है। तीर सरकंडों के होते हैं और इनके तीर का अग्रभाग विष से युक्त होता है। आखेट करने के क्रम में बुशमैन का जीवन यापन आखेट पर ही आधारित माना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ जीवन यापन के साधनों में विशेष कमी है। इन्हें कुशल आखेटक कहा जा सकता है। इनकी दृष्टि काफ़ी तीक्ष्ण होती है। बुशमैन विषैले तीर से शिकार का पहले
उसे घायल करके फिर दौड़ा करके घेर कर मारते हैं, और इस तरह से इनके इस आखेट में सहायक के रूप में इनके पालतू कुत्ते भी रहते हैं। बुशमैन जल स्रोतों के समीप घात लगा करके अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं और फिर उसको अपने भोजन का आधार बनाते हैं। सामाजिक परंपरा की यदि बात की जाए तो ये आखेटक व घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करने के बावजूद अपने क्षेत्र से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं या उसका लगाव रखते हैं। बुशमैन में अलग अलग कुलों एवं समूहों की व्यवस्था पाई जाती है। एक समूह में लगभग 20 व्यक्ति होते हैं जिनके भ्रमण का एक निश्चित दायरा होता है। दूसरे कुल के क्षेत्र में अगर आखेट करते हैं यूँ तो वो आखेट प्रतिबंधित होता है, लेकिन अगर दूसरे कुल के क्षेत्र में कर लिया तो उन्हें अपने किए गए आखेट में से उस दूसरे क्षेत्र के स्वामी को भी भाग या शेयर अदा करना होता है। बुशमैन बलिष्ठ पुरुष व कुशल आखेटक की इनके समाज में विशेष इज्जत रहती है। सामूहिक आखेट का नेतृत्व उसी व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। सामाजिक अपराध करने वाले लोगों को यहाँ कठोर दंड देने की व्यवस्था है। अपनी मान्यताओं में सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये भूत प्रेत व बाधाओं में भी विश्वास करते हैं। ईश्वर के प्रति इनकी निश्चित धारणा नहीं है। अस्वस्थ एवं बीमार होने पर जादू टोने के द्वारा ये इलाज करने का मन करते हैं, पर अब वर्तमान में समय बदलने के साथ साथ इनके जीवन यापन में भी अंतर आया है। इनकी परंपरागत पद्धति में परिवर्तन आ रहा है। आदिम जीवन जीने वाले बुशमैन की संख्या में भी कमी आ रही है और ये पार्श्ववर्ती क्षेत्र में श्रमिक का कार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह बुशमैन के जीवन के विभिन्न पहलुओं का स्वरूप था कि किस तरह सांस्कृतिक वातावरण के कठोर परिस्थितियों के बीच मानव अपना समायोजन स्थापित करता है और उस समायोजन के साथ में उनकी जो सांस्कृतिक विशिष्टता उन्हें अन्य क्षेत्रों से विलग करती है वही उनकी पहचान बन जाती है। इस क्रम में बुशमैन अफ्रीका की प्रमुख रूप से एक आदिम जनजाति है जिसके क्रियाकलाप सामान्य रूप से परीक्षा उपयोगी माने जाते हैं। धन्यवाद।